नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के एक आइडिया ने उन्हें लोगों के बीच में स्थापित कर दिया और जन नेता बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल प्रताप भवन में लगभग 7 साल पहले एक छोटे से आइडिया से एक कार्यालय का विकास हुआ। इसके बाद अब स्थिति यह है कि यहाँ रोजाना सैकड़ों समस्याएं सुलझाई जाती हैं। प्रताप भवन में 7 साल पहले निजी व्यय पर एक जन कार्यालय की शुरुआत की गई थी, जिसमें 11 काउंटर हैं और सैकड़ों लोगों की भीड़ रोजाना लगती है। पीड़ितों की मदद के लिए खोले गए इस कार्यालय में रोजाना शासन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को लेकर और उनके कार्यों को लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ कार्यालय में बैठे हुए लोग उनकी मदद करते हैं। लोगों ने कहा है कि इसकी वजह से उन्हें काफ़ी लाभ मिला है। जिन मुद्दों की जानकारी या जिन योजनाओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है, उनकी जानकारी के साथ साथ फॉर्म भरना और उस विभाग तक पहुँचाने जैसे और मदद पहुँचाने के तमाम कार्य इस जन कार्यालय के माध्यम से हो रहे हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारी जो गैस के लाने कनेक्शन के लिए भरवानी थी, और हमने आवासना का फार्म भरवाया था, वो हो गया। कहाँ आई, जब हुआ काम आपका? अभी दादा के यहाँ। दादा के यहाँ हम आए, हमारा सिम कार्ड बनो, आधार कार्ड बनो, परमिट बनो, आईडी बनी, और आए हम पढ़ने सब काम हमारे होते हैं। हमारे क्षेत्र में जो छोटी छोटी सी समस्याएं व्याप्त हैं और लोग उसके लिए परेशान होते हैं। हम लोग ने जब शुरुआत में देखा कि लोग चौपाल, एक दिन की कहीं चौपाल लगती है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चौपाल जैसी व्यवस्था रोज हो, और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये जन कार्यालय यहाँ पर खोला है, जिसमें 10-11 काउंटर लगा के पूरे ज़िले से आने वाले लोगों के लिए जितनी भी शासन की योजनाएँ हैं या जो जिसमें आदमी के जीवन में व्यक्तिगत उसको कहीं कोई ऐसी परेशानी होती है, उसमें हम यहाँ पर वॉलेंटियर्स के माध्यम से उन समस्याओं का निदान करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई प्रशासनिक समस्या आ रही है, हम उसी का निदान करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी यादगार दृष्टांत इस कार्यालय से जुड़ी हैं कि लोग अपने जीवन के हर ऐसे परेशानी में उनको ये लगता है कि ये कार्यालय उनकी मदद करेगा, और हमको भी ये लगता है कि व्यक्ति ने जब इस ईश्वर ने यहाँ पे मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा है नहीं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अपने सफल और उज्जवल भविष्य के लिए वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में लें प्रवेश। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध एकमात्र महाविद्यालय। हमारा संकल्प, विद्यार्थी बने काबिल। इस वर्ष बीएड करने का अंतिम अवसर चुने डीएड, बीएड और एमएड जैसे कोर्स। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में रोजगार की अपार संभावनाओं के लिए चुने एएनएम और जीएनएम जैसे कोर्स। इसके अलावा हमारे यहाँ संचालित होते हैं बीए बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीए एलएलबी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीएससी बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड कोर्स। साथ में बीए सिंपल और कंप्यूटर, बीकॉम सिंपल एंड कंप्यूटर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी सीएस, बीएससी माइक्रो एंड बायोटेक, एमए इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी, एमएससी माइक्रो एंड बायोटेक। इसके अलावा एमकॉम और बीबीए, बीसीए, बीजेसी, बीलिब, पीजीडीसीए, एलएलबी, एएनएम, जीएनएम, डीएड, बीएड और एमएड जैसे कोर्सेज। सामान्य वर्ग के छात्रों को बीसीए, बीबीए, पीजीडीसीए और 75% से ऊपर के सभी छात्रों को फीस में 25% की छूट। हमारे सहयोगी संस्थान हैं बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज नौगांव, बालाजी पीजी कॉलेज नौगांव और पंडित देव प्रभाकर शास्त्री कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। संपर्क करें वीरांगना अवंतीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश और पंडित बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज नवोदय के सामने नौगांव मध्य प्रदेश।